काफी लंबे समय से सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा के फैंस दोनों को साथ में सिल्वर स्क्रीन पर देखने को बेताब थे। दोनों को आखिरी बार साल 2014 में आई फिल्म हंसी तो फंसी में देखा गया था। अब दोनों लेकर आ रहे हैं फिल्म जबरिया जोड़ी, जो बिहार में हो रहे पकड़वा विवाह पर आधारित है। शुरू से ही फिल्म के सब्जेक्ट को लेकर काफी चर्चा थी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है खास फिल्म में, कैसा है फिल्म का रिव्यू और क्यों देखें आप जबरिया जोड़ी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा अभय सिंह नाम का एक बाहुबली गुंडा है, जो दहेज के लालची दूल्हों की जबरदस्ती शादी कराता है। तो वही परिणीति चोपड़ा बबली यादव नाम की एक दबंग चुलबुली लड़की है, जिसके तेवर बहुत ही तीखे हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा काफी एम्बिशियस है, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और परिणीति चोपड़ा यानी बबली यादव सिद्धार्थ से शादी करना चाहती है। अब सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत कोशिश करते हैं कि अपने अंदर वो देसी पन लेके आए। जब वो बिहारी एक्सेंट में डायलॉग बोलते हैं तो आपको बहुत अजीब लगता है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते। उन्होंने मेहनत जरूर करी लेकिन इस किरदार के लिए वो एकदम मिसफिट थे। अब वही परिणीति चोपड़ा अपने आप को मॉडर्न बनने की कोशिश करती है, लेकिन ना तो पूरी तरह से वो देसी लगेंगी ना ही मॉडर्न, क्योंकि उनके स्टाइलिश कपड़े और मेकअप से उनकी एक्टिंग दब जाती है। मतलब दोनों से अब कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। बिहार के छोटे से कस्बे में दोनों स्टाइलिश बन के स्टाइलिश कपड़ों में घूम रहे होते, आप तालमेल बिठा ही नहीं पाएंगे। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत सिंह इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। प्रशांत सिंह इससे पहले आनंद एल राय के साथ कई फिल्मों में असिस्ट कर चुके हैं। फिल्म के डायरेक्शन में काफी कमी है, क्योंकि पूरी तरह से प्रशांत सिंह कैमरे पर बिहार को एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाए। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है पकड़वा विवाह जैसे गंभीर मुद्दे से, बीच में आकर वो कहीं खो जाती है और एंड तक आते आते तो वो एकदम रेगुलर लव स्टोरी बन जाती है। इसी वजह से आप फिल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पाते और फिल्म की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कई सारे वन लाइनर डायलॉग है जो आपको फनी लगेंगे कुछ कुछ जगह पर, लेकिन कुछ कुछ जगह आप बहुत बोझल महसूस करेंगे। ओवरऑल फिल्म की कहानी काफी बिखरी हुई है, खास तौर पर मिसफिट कास्टिंग की वजह से फिल्म अपने सब्जेक्ट के साथ न्याय नहीं कर पाती है। फिल्म जबरिया जोड़ी ना तो पूरी तरीके से गंभीर मुद्दे को दिखा पाती है, ना ही हमें कॉमेडी का डोज दे पाती है। हमारी तरफ से फिल्म जबरिया जोड़ी को 2 stars out of 5। अब अगर इस वीकेंड आप फ्री बैठे हैं, कुछ करने को नहीं है, टाइम पास करना है, तो आप ये फिल्म देख सकते हैं, मगर आप कहानी अगर ढूंढने जाएंगे, कंटेंट ढूंढने जाएंगे तो आप डेफिनेटली निराश होंगे। बाकी आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही लोकमत न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।